हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल एनरल एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एम इन नेपाल के बारे में नेपाल में आज हम एक ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं जो कि नंबर वन है नेपाल में जो सबसे पुराना है जिसकी डिमांड इंडियन स्टूडेंट बीच में काफ़ी ज़्यादा रहती है काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है जी हाँ जो हम बात करने वाले हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर नेपाल के बारे में ये कॉलेज आपका नाइनटीन से एस्टेब्लिश हुआ है काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफलेटेड कॉलेज है यहाँ पे आप 100 सीट्स की एमबीबीएस की स्टडी होती है प्लस इसके अलावा जो स्टडी होती है एमएसएमडी प्लस आपका डीएम एमसीएच एंड आपका जो है पैरामेडिकल कोर्स आपका बीएससी नर्सिंग ये सारे कोर्सेज के यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो 100 सीट्स का आपका एम कॉलेज है जिसमें आपका फिफ्टी कोटा फ़ॉरेन का है यानी फिफ्टी सीट्स में इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका जो है नीट क्वालिफ़ाई होना चाहिए प्लस आपका जो है 50 परसेंट मार्क्स आपके पी और ओवरऑल आपका होना चाहिए यहाँ के लिए अगर आप एडमिशन कॉलेज में लेना चाहते हो तो नीट में मिनिमम आपका 200 प्लस का आपका स्कोर होना चाहिए कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर में सिचुएटेड है जो कि अगर आप बात करें काठमांडू से डिस्टेंस की तो नियर अबाउट जो है 150 से 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर आप बात करते हैं जो है इंडियन बॉर्डर सोनोली बॉर्डर से तो नियर अबाउट एक से एक किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट आपका भरतपुर में अवेलेबल है आप जो है दिल्ली से कोलकाता से महाराष्ट्र से कहीं भी आप काठमांडू एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं वहां से आप 20 मिनट की फ़्लाइट आप भरतपुर की ले सकते हैं एयरपोर्ट से कॉलेज आपका 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का जो हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक बेड का आपका हॉस्पिटल है जो कि नेपाल का है अगर प्राइवेट की बात करें तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये और इस कॉलेज की डिमांड इंडियन स्वयं काफ़ी रहती है इसका जो पैकेज है यानी फीस स्ट्रक्चर है फिफ्टी नाइन लैक्स प्लस फूडिंग लॉजिंग यानी नियर अबाउट सिक्सटी फोर टू सिक्सटी तो फाइव लैक्स का आपका फुल पैकेज आपका होगा फर्स्ट ईयर में आपको जो है वही ट्वेंटी लैक्स के आसपास देना होगा बाकी पेड आपको जो है बाकी के दो पार्टों में आपको आगे देना होगा यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर के लिए आप अपने काउंसलर को अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करें प्लस जो है फॉर्म का जो बैलेंस है वो सेंड करें आपको दो से तीन दिन में आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है उसके बाद कॉलेज के अकाउंट में पाँच लाख रुपए जमा करते हैं आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो ई का फॉर्म वगैरह वो हमारी टीम आपका फिलअप करती है जो कि एक सेम्बर से आपका स्टार्ट है इसके बाद आपको जो काउंसलिंग का डेट है वो आपका नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पड़ सकता है तो उसके लिए आप हमारी काउंसलर आपको अपडेट करती रहेंगी एक दिन के लिए आपको काठमांडू आना होगा एम के ऑफिस में वहाँ काउंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे प्लस जो है आपका जो पूरा पेमेंट लास्ट का बाकी है वो आप फर्स्ट ईयर का पेमेंट सबमिट करेंगे आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो डियर फ्रेंड्स अगर आप कॉम्स या एम बी इन नेपाल किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को संपर्क करें हमारा ऑफिस लखनऊ नोएडा प्लस काठमांडू में सिचुएटेड है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफिस विजिट करके भी प्रोसीजर कर सकते हैं थैंक यू